वी आर गोइंग टू क्लास सेवेंथ फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3। चलिए फुल डिटेल समझते हैं सभी क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू आर फॉल्स आल्सो जस्टिफाई बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी समझते हैं और पूरी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे। द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, अब सबसे पहली बात है कि इंटीजर्स क्या हैं। तो इंटीजर्स के अगर फुल डेफिनेशन चाहिए तो 1.1 एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको इंटीजर्स कभी भी आपका भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, एक बार ज़रूर देखिएगा। इंटीजर्स क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं। हम साथ में सब कुछ बताते चलते हैं। जो आप नंबर लाइन में नंबर्स देखते हैं 0, -1, -2, इधर आपका 1, 2, 3, इट्स ऑन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यही आपके इंटीजर्स होते हैं। इनके बीच में जो जीरो पॉइंट होता है, डिवाइड होता है, फ्रैक्शन होते हैं, रैशनल नंबर मतलब अपॉन ऐसे जैसे 0.2, 1/2, 2 कंप्लीट, 1/2, ये आपके इंटीजर्स नहीं होते। ये बात याद रखिएगा, ये इंटीजर्स नहीं हैं, ये आपके इंटीजर्स नहीं हैं। ये जो फिक्स्ड आपको नंबर दिखते हैं वही आपके इंटीजर्स कहलाते हैं, ये बात याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा तभी आपको क्लियर होगा। दूसरी बात, प्रॉपर्टी के बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपका ये स्टेटमेंट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा और आप तुरंत सभी के आंसर दे देंगे। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूट, एडिटिव आइडेंटिटीज या इनवर्स प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हैं क्या, प्रॉपर्टी क्यों बने, इसकी वजह आपको बताते हैं। तो मैथमेटिक्स में जनरली हम 4 साइन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, राइट या रॉन्ग, सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज होता है, ठीक है। इनमें ऐसा 2 ऐसे साइन हैं इन चारों में से जिनको अगर हम इधर से वर्क करें तो भी वही आंसर आता है, बैक साइड से वर्क करें तो भी वही आंसर आता है, ऐसे कौन से साइन हैं। तो 2+3 ले लीजिए, चाहे आप 3+2 करिए, देखिए हम आगे से ऐड कर रहे हैं या बैक साइड से ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट तो 5 ही आएगा। वैसे ही 2 में 3 का इंटू करिए या 3 में 2 का इंटू करिए, रिजल्ट 6 ही आएगा। तो ये 2 ऐसे साइन हैं जिनको हम अगर आगे पीछे पलट दें, चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए ये दो साइनों की प्रॉपर्टी बनी हुई है। आप समझ में आई बातें, यानी कहने का मीन्स है ये जो 4 साइन है इनमें ये 2 ऐसे साइन हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है और इन दोनों की प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप अपोजिट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। देखिए 2-3 क्या होता है, -1, और 3-2 क्या होता है, 1। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम कभी नहीं है। अब 3 में 2 का डिवाइड करिए तो आपका क्या आएगा, 1.5, ठीक है। और 2 / 3 करिए तो आपका क्या आ जाएगा, 0.6 आएगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो ना तो डिवाइड का प्रॉपर्टी होता है ना तो सब्ट्रैक्शन का। ये बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी किसकी होती है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती। चलिए अब आप पूरी तरह से रेडी हैं इनके ट्रू फॉल्स के आंसर को देने के लिए। द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, हमने आपको पहले बताया नंबर जो फिक्स नंबर होते हैं वही इंटीजर कहलाते हैं। अब वे क्लोज प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन, तो अब आप ही बताइए क्या कोई प्रॉपर्टी डिवीजन का होता है? नहीं भाई, कोई डिवीजन का नहीं होता। तो ये आपके सामने इंटीजर हमने लिया तो एग्जांपल ये दे है, ये दे, तो आप फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे, सॉल्व फर्स्ट का फर्स्ट फॉल्स, और रीजन आप देना है तो आप लिख लीजिए बिकॉज, इसी को आप कर लीजिए 3/2, 1.5, और इसी को अगर हम अल्टरनेट चेंज कर दें कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये जो आपका लिखा है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, 2/3, 0.6, तो क्या दोनों इक्वल हैं? नो, दिस इज नॉट इक्वल, इसलिए फॉल्स होगा। नाउ सेकंड,
इसमें यही तो बोला गया, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए पॉसिबल है? तो सॉरी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी का नहीं है, ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का है। तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए टू क्लोजर, क्लोजर का फार्मूला आपका ये है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड का सिंबल है तो ए बी डिवाइड ए सी, ये बोला गया है। तो चलिए देखते हैं कोई एक सिंपल सा एग्जांपल लेके जो आपको पसंद है। ए के प्लेस पे हमने 2 ले लिया, बी के प्लेस पे 10 ले लेते हैं जो इजीली हमारा सॉल्व हो जाए, और सी के प्लेस पे 5 ले लेते हैं इज इक्वल टू, अब वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, ए के प्लेस पे 2। मैथमेटिक्स में दो चीज़ों के बीच इनटू का साइन होता है, बी के प्लेस पे 10 डिवाइड ए के प्लेस पे 2, और यहाँ भी इनटू है, सी के प्लेस पे क्या है लास्ट में 5। चलिए देखते हैं इक्वल है कि नहीं। तो 10 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो कितना आएगा, 5 2 या 10 2, और यहाँ पे कौन साइन है, वही यही बात हुई ना कि मैथ में दो चीज़ों के बीच हमेशा इनटू का साइन होता है, दो मतलब कोई भी पार्ट्स हो, नंबर्स हो, वेरिएबल्स, इनटू। अब 10 2 जा 20 डिवाइड 5 2 जा 10, 2 2 जा कितना आया 4, और 10 2 जा 20, क्या इक्वल है? नहीं, ये आपका हमने प्रूव्ड कर दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। चलिए सेकंड देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज कम्युनिकेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्यों, ये नाम आ जाए और ऐड आ जाए तो समझ जाइए कि वो पॉसिबल है। तो सेकंड का कम्युनिकेटिव मल्टीप्लिकेशन, तो ये है आपके ये एग्जांपल, ये कम्युनिकेटिव ही तो है, कम्यूटेटिव, तो आप लिख दीजिए यस, ये ट्रू है आपका। और एग्जांपल इसी कर लीजिए, 2 में 3 का इनटू करिए चाहे 3 में 2 का इनटू करिए, रिजल्ट तो 6 आएगा। अब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए, ये आपका फार्मूला है, क्लियर। नाउ थर्ड, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज कम्युनिकेटिव अंडर डिवीजन, नहीं डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का नाम आ जाए तुरंत फॉल्स कर दीजिए, बिल्कुल वेट ही मत करिए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर दिया कि ये दो साइन के कभी नहीं होते प्रॉपर्टी। चलिए फॉल्स है, एग्जाम्पल अगर लें थर्ड नंबर के लिए अंडर डिवीजन क्या चीज़ है, तो ये है ना आपका एग्जाम्पल, ये जो हम सबसे फर्स्ट में लिखे थे ये, ठीक है, इसको इसमें मत लिखिएगा, ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का है अभी का है, बिकॉज वही लिख देते हैं 3 डिवाइड बाई 2 1.5 एंड 2 डिवाइड बाई 3 0.6, क्लियर। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सो 1.5 डज नॉट इक्वल टू 0.6। और फार्मूला अगर आप देखें पॉसिबिलिटी, ये फार्मूला होता नहीं है, ये बनेगा डिवीजन मेथड का कम्यूटेटिव, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्वल ही नहीं होगा। नाउ फोर्थ नंबर, द डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर प्लस, अरे प्लस ओवर डिवीजन होता है चाहे डिवीजन ओवर प्लस हो, ये पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ये डिवीजन सिंबल आ गया ना, तो नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फोर्थ नंबर आप भी आपका क्या हुआ, फॉल्स, ठीक है, क्यों, जैसे हम एग्जाम्पल में ले लें, यहाँ पे प्लस की बात किया है डिवीजन ओवर प्लस, तो इसके लिए एग्जाम्पल आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है तो ए क्या है क्वेश्चन, हाँ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर प्लस होल्ड कुड इन केस ऑफ इंटीजर, ठीक है, तो बी डिवाइड सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड ए सी, और ये आपका सेटअप होगा, ये है आपका, इसको आप चाहें तो दोबारा यहाँ पे राइट कर सकते हैं सेम। नाउ फिफ्थ नंबर, डिवीजन बाय 1 इज अनडिफाइंड, ये बताइए, कोई भी हम नंबर लेते हैं, ये बिल्कुल फाल्स है। अब फाल्स क्यों है ये बताइए, देखते हैं, मान लीजिए हमने 10 ले लिया, अब 10 को किससे डिवाइड करना है, डिवीजन बाय 1 कोई भी नंबर, अब बताइए कितना आएगा,
भाई वन से डिवाइड करना है टेन को तो टेन ही आएगा ना, क्या बदल जाएगा? नहीं, अगर मान लीजिए टू डिवाइड बाई हम वन लिख दें तो वन टू जो टू ही ना होगा, सिंपल। कोई भी नंबर ले लें, क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं, वो तो वही नंबर आएगा, सिंपल। तो और सोल्यूशन क्या बोला गया फिफ्थ नंबर में? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है उसका आंसर ना मिले। क्या ऐसा हो सकता है? अगर मान लीजिए हम 1000 ले लिए और 1000 से 1 को ही डिवाइड करें तो 1000 ही आएगा ना, तो सभी तो डिफाइंड है। ये भी डिफाइंड का मतलब होता है आंसर मिलना, अनडिफाइंड मतलब उसका आंसर ना प्राप्त होना। इस सिंबल को अनडिफाइंड बोलते हैं। इन्फिनिटिव, ये जो बना हुआ है ये इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव जिसका अंत पता ही ना हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। तो इट इज डिफाइंड, ये क्या हमें मिला? डिफाइंड, नॉट अनडिफाइंड। चलिए सिक्स नंबर देखते हैं। डिविजन बाय एनी इंटीजर्स बाय जीरो ऑलवेज गिव्स जीरो? नो, कभी पॉसिबल नहीं है। बट सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर हम उन्हें बोल दें क्यों टेन में जीरो का डिवाइड करें, या फिर अगर हम दे दें जीरो डिवाइड बाय टेन, तो इन दोनों कंडीशन को स्टूडेंट क्या बोल देते हैं? सर इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। अब ये नहीं सोचेंगे कि हो क्या रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर न्यूमरेटर में जीरो है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, संसार का कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, डेसिमल हो, अपॉन हो, वेरिएबल्स हो, कुछ भी हो, एनीथिंग हम लिख देते हैं, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज टाइम भी बिकम्स जीरो। याद रखिएगा कब जीरो होगा? जब आपका न्यूमरेटर जीरो होगा। और एक बात याद रखिएगा, अभी हमने आंसर नहीं लिखा है, ठीक है, ये तो हम आपको सिर्फ स्पीच दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो अब यह आपका आंसर होगा, क्योंकि इसका आंसर ये तो नहीं होगा, तो ये सिक्स नंबर का हुआ फॉल्स। तो आप क्या लिखेंगे इसका? हम डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ एनी नंबर्स आर वेरिएबल्स, लिख लीजिए दोनों को एक साथ कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स भी आपके लाइफ में आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आर डिवाइडेड और हमेशा याद रखिएगा इसे, बाय जीरो, इट्स ऑलवेज बी अनडिफाइंड। इसमें आपका अनडिफाइंड आएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मतलब जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं टू, टू को अगर जीरो डिवाइड करें, या कोई वेरिएबल ले लेते हैं उसको भी जीरो डिवाइड करें, तो इसका आंसर ये आएगा, इस ये सिंबल अनडिफाइंड का। क्लियर? चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। अभी तो हम बात कर रहे थे कि वन को किसी से भी डिवाइड करें तो वही आता है। अभी हमने बताया ना टेन को अगर वन से डिवाइड करें तो टेन ही आएगा। तो ये बताइए 135 को अगर वन से डिवाइड करें तो 135 आएगा, नो डाउट। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, याद रखिएगा डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं होता। अगर यहाँ -1 है तो माइनस तुरंत टॉप में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब भाई वन से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ सेकंड, -73 को किससे हम डिवाइड कर दें कि हमें 73 मिल जाए? अच्छी मुसीबत है, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे तो प्लस आ गया। जब नंबर के आगे साइन ना हो वहाँ प्लस होता है, तो माइनस कहाँ चला गया? तो भाई हमको यहाँ पे एक और माइनस लेना पड़ेगा, और 73 को किससे डिवाइड करें कि 73 रहे? सिंपल सी बात है, 1 से। इससे देखिए बेनिफिट क्या हुआ, 1 से माइनस कैंसिल और 73 आ गया। यानी हमने किससे डिवाइड किया सेकंड नंबर में? डिवाइड -1 किससे डिवाइड किए? ये देखिए -1। क्लियर? अब यहाँ लिखा है 0/5। अभी तो बात किए हैं आपसे, जस्ट अभी बात किए हैं। क्या बात आए अभी कि कोई भी नंबर को अगर जीरो ऊपर है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ ये
जीरो अगर हो टॉप में और कोई भी चीज़ नीचे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ये बात याद रखिएगा। ये देखिए जीरो ऊपर है तो थर्ड नंबर में कुछ इस तरह का दिख रहा है, जीरो अपॉन फाइव, तो ऑलवेज टाइम बी बिकम्स जीरो। नाउ फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में है 1525 अपॉन, अभी हम बात किए ना डिनोमिनेटर माइनस नहीं होता तो माइनस कहाँ हो जाएगा ऊपर, और 1525 तो कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट क्या बचा माइनस वन। नाउ फिफ्थ नंबर, अब 51 को 1 से डिवाइड करेंगे भाई तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 51 ही रहेगा। चलिए सिक्स नंबर देखते हैं, -54 अपॉन -9, तो माइनस माइनस कैंसिल, 9 6 या 54, ये सिक्स आंसर। अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए थर्ड नंबर भी देखते हैं फुल डिटेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो चलिए देखते हैं ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर, अरे ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कम्यूटेटिव कोई भी प्रॉपर्टी हो किसकी होती है, सिर्फ प्लस और इनटू की, ये कहाँ से डिवाइड आ गया भाई। तो फर्स्ट नंबर तो बिल्कुल डिवाइड, ये और सब्ट्रैक्ट आप देखें तुरंत आप ये लगा दीजिए, नो डाउट क्लियर। आप सॉल्व करके भी देख लीजिए, हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.6 आएगा इधर से, और डिवाइड आप 5 से करेंगे तो 5 6 या 30, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं बिल्कुल। सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर आपका यहाँ पे देखिए डिवाइड 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 और ये इक्वल नहीं है, इसे कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, एसोसिएटिव, लेकिन डिवाइड है और डिवाइड की प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये इक्वल होने चाहिए और ये तो पहले से कटा है भाई, तो मतलब ये सही बोल रहा है। अरे कहने का मीन्स ये है कि एसोसिएटिव ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए हम मल्टीप्लाई ले लिए, ऐसे होती है ना, फिर ए को अंदर कर लीजिए सी को बाहर निकाल दीजिए, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ डिवाइड करना था तो ये दोनों इक्वल होते हैं तभी तो प्रॉपर्टी होगी, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन पहले बोल दे भाई ये इक्वल नहीं है, तो उसका उनका कहना तो सही है ना। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, अब भी बात किए हैं कि अगर जीरो ऊपर है नीचे एनीथिंग कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, लेकिन अगर जीरो नीचे है चाहे वो जीरो अपॉन जीरो ही क्यों ना हो उसकी वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड होगी। जीरो नीचे देखा करिए, अगर नीचे है तो अनडिफाइंड, तो थर्ड नंबर में आपका क्या होगा फॉल्स, भाई जीरो नहीं होगा अनडिफाइंड होगा, यानी इसका आंसर अगर आप जानना चाहते हो तो हम यहाँ पर बना देते हैं, ये है इसका आंसर। नाउ फोर्थ, अब ये देखिए ऊपर जीरो है, याद करिए 0.25, अभी बात तो कर रहे थे कि जीरो टॉप में है तो जीरो आना चाहिए, तो ये मतलब ट्रू है, आपका फोर्थ नंबर ट्रू है। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, द आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट मतलब होता है उनके अंदर नंबर, ठीक है, फॉर डिवीजन द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज वन, नो इंटीजर वन आइडेंटिटी में मल्टीप्लीकेशन में होता है, और एडिशन का अगर आप जानना चाहते हैं आइडेंटिटीज तो जीरो होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो इंटीजर्स कलेक्शन ऑफ इंटीजर वन किसका होता है, मल्टीप्लीकेशन का, तो फिफ्थ नंबर आपका क्या हो जाएगा फॉल्स है, ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या हो गया फॉल्स, और लिखना चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं बिकॉज आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन इज वन, किसका होता है मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज वन, क्लियर। नाउ सिक्स नंबर, द इनवर्स ऑफ इंटीजर सेवन अंडर डिवीजन इज 1/7, ये तो मल्टीप्लीकेशन का है, डिवीजन का थोड़ी है भाई, मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स क्या होता है, अगर a अपॉन b है तो इसको आप पलट दीजिए, b ऊपर हो जाएगा a नीचे हो जाएगा, ये किसका है मल्टीप्लीकेशन का है, कौन सा साइन का है मल्टीप्लीकेशन का, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 7 लिखा है तो 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं,
भाई 7/1 लिख सकते हैं, तो 1/7 हो गया, देखिए चेंज हो गया ना, तो ये किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये आपका फॉल्स हुआ। और ये बोला जा रहा है डिवीजन का है, तो डिवीजन का तो होता ही नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, वर्ड प्रॉब्लम और फोर्थ नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकेंड बेस्ट ट्रिक के साथ और फुल एक्सप्लेनेशन। तो सो वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत बेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव नाइस डे।